भारतात चोरी झालेल्या फोन्सचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला जातोय अशी शक्यता आहे. भारतात जे फोन्स चोरले जातात, मोबाईल फोन्स चोरले जातात, त्यासाठी ते दहशतवादी कारवायांसाठी वापरले जात आहेत. हे फोन बांगलादेश मार्गे पाकिस्तानात जात आहेत. भारतात ज्या मोबाईल फोन्सची चोरी होते ते फोन पाकिस्तानात जातात. डी कंपनीद्वारे हे फोन वापरले जात आहेत. मुंबई क्राईम ब्रांचनं हा मोठा गौप्यस्फोट केला. आत्ताची ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी. मुंबई क्राईम ब्रांचनं हा मोठा गौप्यस्फोट केलेला आहे. डी कंपनीद्वारे हे फोन वापरले जात आहेत. दहशतवाद्यांना त्याचा पुरवठा केला जातोय. भारतात ज्या मोबाईल फोनची चोरी होते ते मोबाईल फोन बांगलादेश मार्गे पाकिस्तानात जातात आणि दहशतवादी कारवायांसाठी त्याचा वापर केला जातो. डी कंपनीद्वारे हे फोन दहशतवाद्यांना पुरवले जातात. अपडेट्स घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अंकुर त्यागी यांच्याकडून. अंकुर, काय नेमकं मुंबई क्राईम ब्रांचनं हा गौप्यस्फोट केलाय, काय अपडेट्स आहेत त्याबाबतचे? अंकुर, नेमके अपडेट्स काय आहेत? मुंबई क्राईम ब्रांचनं गौप्यस्फोट केलेला आहे. जे मोबाईल फोन चोरीला जात आहेत ते दहशतवाद्यांकडून त्यांचा वापर होतोय. इस मॉडल ऑपरेटिंग को समझने की जरूरत है. एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसके अंदर शामिल थी. इसमें एनआईए थी, इसके अंदर डीआरआई थी, कस्टम था, इसके अलावा स्टेट इंटेलिजेंस था, मिलिट्री इंटेलिजेंस था. तमाम वो जो एजेंसीज जिनके ऊपर जिम्मा होता है देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने का, वो तमाम आपस में एक सिनर्जी सिस्टम में कोऑर्डिनेशन के तौर पर यहाँ पर मिली थी. और वहीं पर ये जो चीजें शेयर हुई, इनपुट जो शेयर हुए वो बहुत अहम इनपुट हैं. अभी तक मानते थे कि क्राइम की दुनिया में अगर मोबाइल फोन चोरी होता है तो उसका बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं होती, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है. लेकिन यहां से इस मोडस ऑपरेंडी से पता चलता है कि चोरी किए गए मोबाइल फोन जो भारत के मोबाइल फोन थे उनको चोरी करके किस तरीके से पहले बांग्लादेश भेजा जाता है, बांग्लादेश से उनको फिर पाकिस्तान भेजा जाता है और पाकिस्तान में उनका IMEI नंबर जो होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है. मैनिपुलेशन का लेवल ये होता है कि एक IMEI नंबर पे कम से कम 40 से 50 मोबाइल फोन एक्टिवेट हो सकते हैं. और ये बहुत घातक बात है एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जितनी भी टेरर आउटफिट्स हैं वो कर रहे हैं, जो डी कंपनी है वो कर रही है, चाहे वो टेरर ऑपरेशन के लिए हो, नार्को टेररिज्म के लिए हो, या जो दूसरे तरह का टेररिज्म है उसके लिए. ठीक, धन्यवाद अंकुर संपूर्ण माहितीसाठी. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24